बंधु आंध्र प्रदेश रे बे स्थिति बेहाल लगाण वर्षा जारी रहितबारो बन्या स्थिति उपजिछि एवं सेठाकार लोके बे नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन होइछन्ती। गोटे पटे स्थानीय लोकंक कथा जति कि आमे कहिबा असुविधार सम्मुखीन होइछन्ती, यात्री मध्ये सेति कि असुविधार सम्मुखीन होइछन्ती। कारण जो यात्री माने सेठारे फसी रहिछन्ती, किभळी सेठु सुरक्षित समानकु उद्धार करा जिवो, रेस्क्यू करा जिवो, एथिपय मध्ये जोरदार प्रयास जारी रहिछि। जाकने हमर आलोचना उबुटुबु आंध्र प्रबल वर्षा को नजर रखी एबे ट्रेन बातिल करा दैछि। 50 रु ऊर्ध ट्रेन एबे बातिल करा दैछि, कारण जो रेल धारणा रहिछि पानी जमी रहिथिबारु विपद रहिछि। तेणु यात्री को सुरक्षा को दृष्टि रखी एभली निष्पत्ति निया दैछि एवं अनेक गुड़िए ट्रेन वर्तमान समय बातिल करा दैछि। जहाँ कहा जाए जे 50 रु अधिक ट्रेन बातिल करा दैछि एवं अनेक जो रास्ता रूट कथा हम कहबा भुवनेश्वर रेल स्टेशन रु छाड़ीथिबा भुवनेश्वर तिरुपति एक्सप्रेस को मध्य बातिल करा दैछि एवं अन्य पटे विशाखापाटना रु जशवंतपुर मध्यरे मध्य समस्त ट्रेन लाइन को बातिल करा दैछि। तबे ये सब किछि यात्री को सुरक्षा को नजर रखी एभली निष्पत्ति निया जाइछि। तबे वर्षा जोगु आंध्रर अनेक अंचल एबे जलमग्न रहिछि, बन्या स्थिति जेहेतु उपजिछि आमे देखुछन्ति। लगातार धरि आमे आंध्रप्रदेशर रिपोर्ट मध्य सामना को आसुछि केते संगीन स्थिति सेठार रहिछि एवं बन्या स्थिति को नजर रखि जेमिति कि सूचना रहिछि 30 रु अधिक लोकंकर एबे मृत्यु होइछि एवं अनेक सेठि एबे निखोज मध्य अछन्ति। जो माने निखोज अछन्ति सेमानको मध्य रेस्क्यू करा जाउछि एवं अनेक मृतदेह मध्य ता भितरो मिलिलानि। एभली दुखद चित्र मध्य आंध्रप्रदेश रु आसुछि। ता भितरे 3 दिन धरि जेहेतु बंगोपसागर एबे लघुचाप सृष्टि होइछि एवं लगातार तार प्रभाव रे 3 दिन धरि ए लगाण वर्षा रे आंध्रप्रदेश रो स्थिति संपूर्ण बेहाल होइछि। एवं तिरुपति कथा जदि आमे कहिबा जोठि कि सबुठरो अधिक वर्षा रेकर्ड करा जाइछि एवं सेठारे तिरुपति मंदिर जिबा पई जो यात्री माने सेठारे जाइथिले मंदिर दर्शन करबा पई सेमाने मध्ये वंचित होइछन्ती दर्शन रु गोटि पटे। अन्य पटे सेमाने मध्ये वर्षा को देखि जेहेतु अनेक अंचल से जलमग्न रही नजर रखी एवं सेमाने जेतु फसी सुरक्षित स्थान रे को रखा जाउछि। कारण परवर्ती समय जेतेबेले स्थिति सुधुरिबो पुणि थरे सेमाने निज निज स्थान को फेरी आसिबे। अनेक काम कहि परबा यातायात गोटिपटि ठप, स्कूल कॉलेज बंद रहिछि एवं बस चलाचल संग को विमान चलाचल मध्ये वर्तमान समय रे बातिल करा जाइछि। अधिक आमे संपर्क रे आलोचना करबा आम सहित जोडी होछन्ती तिरुपति रु वरिष्ठ सांबादिक गिरी आम सहित जोडी होछन्ती। गिरी जी स्वागत है आपका नंदीघोष टीवी पे। भारी बारिश के कारण अभी ट्रेन कैंसिल हुआ है, तो जो तीर्थ यात्री वहां पे थे उनको कहां पे रखा जा रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी क्या चल रहा है? विजयलक्ष्मी, जैसे हम स्क्रीन पे देख रहे हैं पिछले 40 साल से हम देखेंगे ग्राफ देखेंगे तो इतना बड़ा बारिश कभी भी नहीं होता। जैसे कि पहले कहा जाता है कि रायलसीमा, जैसे कि एक जोनल जो है आंध्र प्रदेश में रायलसीमा कहते हैं, ये पूरा रेनफॉल बहुत कम पड़ने वाला एरिया है। यहाँ इतना जैसे कि एक ही बार 15 to 16 नियरली 20 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ है यहाँ पे। इतना बड़ा बारिश कभी भी नहीं होता और ये अनएक्सपेक्टेडली जैसे कि एक वन वीक से जो बारिश हो रहा है इसकी वजह से पूरा की पूरा यहाँ का जनरल लाइफ पूरा डिस्टर्ब हो चुका है। अभी जितने लोगों का मृत्यु हो चुका है इसका अकाउंट भी अब तक बाहर नहीं आया है और चीफ मिनिस्टर जगनमोहन रेड्डी भी एरियल सर्वे में पूरा देखे ऑफिशियल्स को अलर्ट कर चुके हैं। और आप देख सकते हैं जैसे कि जैसे आंध्र प्रदेश में है, ये भी रायलसीमा जोन से ही आता है। यहाँ पे पूरा दुनिया भर पिलिग्रिम के यहाँ आते रहते हैं और यहाँ देखेंगे तो पूरा दो भी ट्रैफिक थी, जैसे कि तिरुमला एक गैट रोड का जो रास्ता है बंद कर चुके थे और अभी भी आज रात एक ट्रायल रन करेंगे कि गैट रोड टू व्हीलर्स अलाउ करना है कि नहीं, सिर्फ फोर व्हीलर्स ही अलाउ कर रहे हैं। जैसे टीटीडी भी बहुत काम जैसे कि पिलिग्रिम्स के लिए सर्विस कर रहे हैं और जितने लोग तिरुपति आए हुए थे सब लोग इधर ही है और उनका देखभाल भी टीटीडी कर रहा है और अभी दर्शन का भी चालू है और टीटीडी एक अनाउंसमेंट भी किया है कि दर्शन के लिए जो आते हैं उनका दर्शन टाइमिंग हो नियरली 1 वीक तक कभी भी आ सकते हैं। लेकिन इससे ये पूरा हालत के पॉइंट ऑफ व्यू में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी सीएम के साथ बातचीत किया फोन में और उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ टीम जितना भी है उतना सपोर्ट करेंगे। और बुरी बात क्या है कि 1 वीक पहले होम मिनिस्टर अमित शाह भी तिरुपति आए हुए थे और ये जो टेंपल का जो कपिला तीर्थम कहते हैं। गिरी जी, लेकिन वेदर डिपार्टमेंट का क्या कहना वहाँ के परिस्थिति को लेकर और कितने दिन तक ऐसे भारी बारिश जारी रहने वाला है?
देखिए जो 1 वीक के पहले जो था 3 दिन का अलर्ट दिए हुए थे और 3 दिन के बाद अभी भी 28 के बाद 23 के बाद भी बारिश ऐसे करके नीच आ रहे हैं और ये सब फेस करने के लिए भी एपी गवर्नमेंट तैयार है और सेंटर से भी फोर्सेस आ चुके हैं और हम वेरी स्पेसिफिकली ये देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में ये जो रिवर्स है वो सभी फुल हो चुका है और नियरली 25 ईयर्स पहले भी कितना फुल में था अभी वो सब पूरा फुल होके सब फ्लो शुरू हो चुका है और हम देख सकते हैं तिरुपति से 25 किलोमीटर दूर में एक रिवर है, इसका एक रिजर्वर है रायल चेरू नाम से, अभी वो रेड जोन किया हुआ है, नियरली 25 विलेजेस उसके अंदर जो है उसको सब खाली कर रहे हैं और पूरा कलेक्टर एसपी जो ऑफिशियल है सब लोग ग्राउंड पे है और पूरा सब जैसे कि एनडीआरएफ टीम भी आ चुकी है और विलेजेस को भी वहां से खाली कर रहे हैं। ये पूरा ये चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट जो है अभी रेड अलर्ट में है और किसी को पता नहीं है कि आज 72 आवर्स के बाद अगर बारिश होगा तो कितना बड़ा नुकसान हो ये होगा, ये सब इमेजिनेशन के लिए भी हम थिंक नहीं कर सकते कितना बड़ा नुकसान होगा क्योंकि हड़प्पा डिस्ट्रिक्ट और चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट अनंतपुरम और नेल्लूर ये जो है यहाँ पूरा से पूरा ज्यादा तक बारिश हो चुका है और बारिश होने का संभावना भी है। इसकी वजह से पूरा पब्लिक बहुत डर चुके हैं और ये जो गवर्नमेंट भी है अलर्ट कर रहे हैं कि किसी को ये रेड जोन में है उन सब लोगों को जैसे कि सुरक्षा प्रांत जो है उस तरफ आने के लिए अलर्ट कर रहे हैं। जी, सबसे ज्यादा प्रभावित तिरुपति में देखने को मिला है और वहाँ पे अभी किस तरह के सुरक्षित उद्धार किया जाएंगे वो तो अभी प्रयास जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद गिरी जी सभी सूचनाएं के लिए।